इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं और हर रोज मैं आपके लिए नई से नई जानकारी लेके आता रहता हूं वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम किसी भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन की कोई गारंटी वारंटी आपको नहीं देते हैं। हमारा काम होता है आपके लिए हर रोज नई से नई जानकारी देना। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके लिए हर रोज नई से नई जानकारी लेके आना है, ना कि किसी भी कंपनी में आपको जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए दोस्तों आप कहीं भी जुड़ने से पहले या निवेश करने से पहले उसकी गहनता से छानबीन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन ठगी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम आपको पहले से सावधान करते हैं। दोस्तों अगर आपने डिस्क्लेमर ध्यान पूर्वक देख लिया, सुन लिया, समझ लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्त मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, या कैसीनो हो, या सट्टा लगाने वाले गेम हो, कुछ भी हो, जैसा कि मैं बतलाना चाहूंगा दोस्त, जैसे कि बिग डैडी हो, दामन हो, बिग गोवा हो, ब्रासी लॉटरी हो, या तिरंगा हो, इस टाइप के जो भी गेम है, तो इस टाइप की गेम में आप अगर अर्न करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सी फंडा है, कुछ ट्रिक है जो ट्रिक को आपको फॉलो करना होगा। जैसा कि दोस्त हमने एक मैसेज बना रखे हैं कि मिशन करोड़पति, तो मिशन करोड़पति में क्या है दोस्त कि हम पूरा जो है ना बारीकी से पढ़ के आपको सुनाते हैं और आप पूरा जो है ना समझ सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो साथियों आप आज करोड़पति बनने के लिए मत भागो, आने वाले एक साल में अगर आपने रूल को फॉलो किया तो आप खुद ब खुद करोड़पति बन जाएंगे। ना चाहते हुए भी आप सिर्फ इस चार्ट को फॉलो करें और धैर्य के साथ हर दिन अपना काम करते रहें। रिचार्ज ओनली अगर 1000 के ही दोस्त अगर आप करते हैं और सिर्फ 5% यानी कि 5% डेली अगर ट्रेडिंग जो है ना अपना लेते हैं, मुनाफा लेते हैं, तो कितना अमाउंट आपका हो सकता है एक साल में, इसको मैं आपको बतलाने की चेष्टा करता हूँ। आपको हमेशा 10 लेवल का फंड अपने वैलेट में रखना अनिवार्य है दोस्त, ठीक है। और आपको 1000 पर हर दिन 50 रुपया ही कमाना है एक महीने तक। अगर आप ऐसा करते हैं तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ आगे किस तरह आपका 1000 एक साल में 6 करोड़ बन जाएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त देखते हैं जरा इस चार्ट को। 1000 का 5% यानी कि 50 रुपया होता है। आपको पूरे 30 दिन सिर्फ यही करना है, हर दिन 50 रुपया। तो एक मंथ में 1000 का 5% यानी कि 50 रुपया मंथ यानी कि 1500 रुपया हुआ आपका मुनाफा, और प्लस 1000 यानी कि 2500 रुपया आपका अमाउंट हो गया। और दूसरे के मंथ में यानी कि सेकेंड मंथ में दोस्त उसी 2500 का 5% निकालेंगे तो 125 रुपया पर डे की होगी, जो कि मंथ की होगी 3750 रुपया, टोटल हो जाएगी 6250 रुपया। अब चलते हैं दोस्त तीसरे मंथ में, 6250 5% डेली निकालेंगे तो 312 रुपया होगा, मंथ का हो जाएगा दोस्त 9375 रुपया, टोटल हो जाएगा 15625 रुपया। अब चलिए दोस्त चौथे मंथ में 15625 का 5% अगर डेली निकालते हैं तो 781 रुपया होता है दोस्त, और मंथली की बात करें तो 23437 रुपया होता है दोस्त, और टोटल की बात करें तो 39062 रुपया होता है। अब चलते हैं दोस्त पांचवें महीने में 39062 रुपया का 5% अगर निकालते हैं दोस्त तो 1953 रुपया होता है, मंथली हो जाता है 58593 रुपया, टोटल आपका हो जाता है दोस्त 97655 रुपया। आप चलते हैं दोस्त छठे महीना में, तो 97655 का अगर हम 5% डेली निकालते हैं तो 4882 रुपया होता है दोस्त, मंथ की बात करें तो 1,46,482 रुपया होता है, और टोटल बात करें तो 2,44,138 रुपया होता है। अब चलते हैं सातवें महीना में दोस्त, ठीक है, तो 2,44,138 का 5% अगर डेली निकालते हैं दोस्त तो 12,206 रुपया होता है, मंथ की अगर बात करें तो 3,66,180 रुपया होता है, टोटल अगर बात करें तो 6,10,345 रुपया होता है दोस्त। अब चलते हैं आठवें महीना में, 6,10,345 का 5% अगर डेली निकालते हैं दोस्त तो 30,517 रुपया होता है पर डे का, और मंथली हो जाता है 9,15,510 रुपया, टोटल हो जाता है 15,25,862 रुपया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त नौवें महीना में, 15,25,862 रुपया का 5% यानी कि 5% डेली निकालते हैं दोस्त तो 76,293 रुपया डेली होता है, मंथ का हो जाता है दोस्त 22,88,790 रुपया, और टोटल हो जाता है दोस्त 38,14,655 रुपया। अब चलते हैं दसवें महीना में दोस्त, तो 38,14,655 रुपया का 5% अगर निकालते हैं दोस्त तो 1,90,732 रुपया पर डे का होता है, और मंथ का हो जाता है 57,21,982 रुपया, और टोटल अमाउंट हो जाता है दोस्त 95,36,638 रुपया। अब चलते हैं दोस्त ग्यारहवें महीना में,
95,36,638 रुपया का 5% यानी कि 5% डेली निकालते हैं दोस्तों, 4,76,831 रुपया होता है। और मंथ की बात करें तो 1,43,04,931 रुपया होता है। टोटल अगर बात करें तो 2,38,41,595 रुपया होता है दोस्त। अब 12वें मंथ की बात करते हैं दोस्त, ठीक है, जो कि एक साल, तो 2,38,41,595 का 5% अगर डेली निकालते हैं दोस्तों, 11,92,079 रुपया होता है। और मंथ की बात करें तो 3,57,62,392 रुपया होता है। टोटल अगर बात करें तो 5,96,03,988 रुपया है दोस्तों। तो साथियों, अगर आपने इस चार्ट को एक साल फॉलो कर लिया और आप इसका 50% भी कामयाब हुए तो 2,98,00,000 के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं इस पर ही काम किया जाए, करोड़पति बनने की इतनी जल्दी ही क्या है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्त, अगर पैसेंस के साथ, अगर डेली का जो एक आप टारगेट रखिए कि मुझे इतना रुपया ही कमाना है, अगर डेली का मात्र 5% अगर इंक्रीज कर देते हैं, उसके बाद आप गेम न भी प्ले करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्त। और आने वाले समय में धीरे धीरे आप पैसा वाले बन जाएंगे दोस्त, ठीक है। लेकिन आप 10 लेवल का फंड मेंटेनेंस करके आपको रखना होगा दोस्त, ठीक है। जो कि 10 लेवल का फंड कैसे मेंटेनेंस रखेंगे उसका भी हम बहुत जल्द चार्ट बनाकर आपको हम पेश कर देंगे दोस्त। आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए दोस्त। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इस टाइप के गेम रिगार्डिंग और पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब रिगार्डिंग में वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आते रहता हूँ, जो कि बढ़िया बढ़िया होता है, और ट्रिक्स भी मैं लेकर आते रहता हूँ जिससे आपकी अर्निंग और बढ़ सके दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए मनोज की इजाजत। जय हिंद, जय भारत।